हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बना रहे हैं मक्की की रोटी मूली और पालक के साथ। तो इसके लिए हमने 2 कप मक्की का आटा ले लिया है और हमने इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन डालनी है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें जीरा लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हम इसमें रेड चिल्ली ऐड करेंगे और हमने एक मूली को ग्रेट करके उसको ले लिया है। हमने इसका पानी नहीं निचोड़ा, बिल्कुल ऐसे ही हमने पानी के साथ ही मूली को ले लिया है। और 1 कप हमने पालक को धो के अच्छे से कट करके धो के ले लिया है। आप चाहो तो पालक की जगह आप मेथी भी यूज़ कर सकते हो या मूली के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। इससे हमारी मेथी की रोटी, मक्की और पालक की रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है और क्रिस्पी भी बनती है। तो आप जो भी चाहो इसमें मेथी या पालक ऐड कर सकते हो। तो अब इसको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम फिर उसके बाद पानी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से एक डो रेडी कर लेंगे। हम इसको जितना अच्छे से मसल के बनाएंगे उतनी ही बढ़िया हमारी रोटी बन के रेडी हो जाएगी। तो हमने इसको अच्छे से डो बना लेना है। और रोटी को हम बेलने के लिए ये हमने एक पॉलीथीन को कट करके साफ पॉलीथीन को बिल्कुल ले लिया है। इसके ऊपर हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा के पेड़ा बना के तो इसके ऊपर हम रख के रोटी को बेल लेंगे। ऐसे हमने घी लगा के पेड़ा ले लेना है और हमने थैली के ऊपर ही इसको अच्छे से बेल लेना है, जिससे हमारी रोटी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और टूटेगी भी नहीं। बड़े ही आसानी से इस तरह से रोटी बन जाती है। अक्सर कई बार रोटी टूट जाती है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल आसानी से कोई भी इसे बना के रेडी कर लेगा। तो इस मेथड से रोटी आप बना के देखिए। ऐसे इसको टैप टैप करते हुए आपने फिंगर से रोटी को पूरी को बेल लेना है, बिल्कुल रोटी अच्छे से इससे रेडी हो जाएगी। तो ये हमने ऐसे रोटी को अच्छे से बेल लिया है टैप टैप करके। तवा हमारा गर्म हो रहा है, रोटी हमारी बेल चुकी है। तो आइए हम इसको तवे पे डाल के पका लेते हैं। तवे को हमने ऑयल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और तब हमने इस रोटी को पलट देना है। तो ये रोटी हमने इस पर डाल दी है। अब हम अच्छे से इसको सेक लेते हैं। उलट पुलट करके हमने इस रोटी को जितना भी क्रिस्पी करना हो या सॉफ्ट खानी हो, जैसे भी आपको पसंद हो, आप इस रोटी को बना सकते हैं। मक्की की रोटी मूली और पालक बीच में ऐड है, तो आप इसको ऐसे भी चाय या कॉफ़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बटर के साथ, वाइट बटर के साथ, जैसे भी आपका मन हो। कभी कभी अगर सब्जी नहीं भी है तो भी ये रोटी ऐसे ही खाई जा सकती है। तो ये बड़ी ही इजी तरीके से बन के रेडी भी हो जाती है बिना टूटे और आसानी से बन भी जाती है झटपट से बन के। तो आप इस रोटी को इस तरीके से बना सकते हैं और इसको आप उलट पुलट करके क्रिस्पी करते रहिए। जितना भी आपने इसको क्रिस्पी करके खाना है, आप उतना ही क्रिस्पी इसको कर सकते हैं। सर्दियों में इसको खाने का अलग ही मज़ा है। तो ये रोटी हमारी बिल्कुल बनने को रेडी है। आप भी इसी तरीके से बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। हम तो इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करके खाते हैं। वैसे रोटी इस टाइम तक बिल्कुल पक चुकी है दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से बना के इसको एंजॉय कीजिए। इसको हम प्लेट में ले लेते हैं और ऐसे ही हम और भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसको हमने प्लेट में ले लिया है और वाइट बटर के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको भी ये तरीके से पसंद आई हो तो ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।